हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब हम परसेंट का साइन बनाते हैं, ऐसा साइन बनाते हैं, तो ये कैलकुलेट क्यों नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहाँ पे इजीली कैलकुलेट हो जा रहा है। जैसे यहाँ 4000 का 5% निकालना है तो यहाँ 4000 का 5% 200 आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200, 200 का यहाँ पे मैं 3% कर रहा हूँ तो 200 का 3% 6 रुपीज आ गया। तो ये इस तरह से निकल आती है, लेकिन बात करें हम नॉर्मल तरीके से तो ये नहीं आती है। तो क्या करेंगे, तो ये आएगी, उसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और यहां से मैं पहले इसको क्लोज कर देता हूं जो क्वेरी मैंने बनाई है। अब ये देखिए, ये इस तरह का साइन आपको चाहिए। हम सबसे पहले चलते हैं क्रिएट में और एक नया टेबल बना लेते हैं यहां से, ठीक है, और डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। और यहां पर डिजाइन व्यू में इसको मैं नाम देता हूं परसेंट कैलकुलेशन, ओके। तो ये नाम मैंने दे दिया है, और यहां पर आईडी आएगी तो यहां मैं आईडी ही रख लेता हूं, ठीक है। समझ सकते हैं आप, स्टॉक आईडी भी हो सकती है ये, तो यहां पे स्टॉक आईडी ही कर देते हैं, स्टॉक आईडी, ओके। स्टॉक आइटम की जो भी आईडी होगी वो आ जाएगी यहां पे, ऑर्डर नंबर ही रख लेते हैं हम। और यहां पर अब स्टॉक का नेम दे देंगे हम, तो चलिए यहां स्टॉक नेम मैं कर देता हूं, और स्टॉक नेम टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहां पे स्टॉक की प्राइस देनी है, ओके। तो यहां स्टॉक की प्राइस भी हम दे देते हैं, तो ये हो जाएगी प्राइस। और ये प्राइस जो है यहां पर मैं इसको करेंसी रख रहा हूं, यहां पे देखिएगा करेंसी बना रहा हूं मैं, और यहां पे एक फॉर्मेट करेंसी है, ठीक है। फिलहाल मैं इसे नंबर कर लेता हूं, ओके। और यहां से ये देख सकते हैं आप, ये जो है डबल मैं रख रहा हूं, ठीक है, और फॉर्मेट इसका करेंसी रख रहा हूं। चलिए अब यहां पर यूनिट आ जाएगा, तो यूनिट जो है नंबर डेटा टाइप होगा, यहां पे नंबर रखेंगे हम, ओके। और इसको भी हम यहां से डबल बना लेंगे, तो ये डबल कर लिया हमने, ठीक है। डबल इसलिए बना रहा हूं ताकि पॉइंट में भी लिख सकूं मैं। अब यहां पे परसेंट की बात करेंगे, टैक्स की बात करेंगे, तो मैं लिखता हूं टैक्स इन परसेंट, ओके। तो यहां पे परसेंट में टैक्स आप कैलकुलेट करोगे, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, नंबर लेता हूं, और यहां पे क्या करूंगा, ये जो नंबर है इसका फॉर्मेट में रख देता हूं परसेंट, यहां पे परसेंट कर दिया। और यहां पर जो लॉन्ग इंटीजर है इसको मैं बना देने वाला हूं डबल, ओके। बस इतना काम आपको करना है, और आप चाहें तो यहां पर एक काम और कर सकते हैं, वो ये कि यहां पे डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है, तो इसको हम यहां पर 2 रख लेते हैं या 3 रख लेते हैं, यानी 3 पॉइंट तक ये डेसिमल मैं कैलकुलेट करके हमें देगा, इसका ये मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर टैक्स अमाउंट लिखते हैं, टैक्स अमाउंट, ओके। तो यहां पर टैक्स अमाउंट हमने लिख लिया, और टैक्स अमाउंट जो भी लगेगा वो यहां पर आ जाएगा कैलकुलेट होकर, ओके। तो इसको भी हम क्या करते हैं, करेंसी रख लेते हैं, ये आ गया। और यहां पर हम टोटल कर लेंगे कि टोटल हमारा कितना अमाउंट हुआ, ओके। तो यहां टोटल करेंगे, और ये भी मैं रख लेता हूं क्या, करेंसी, ओके। तो ये करेंसी रख लिया हमने, और यहां पर क्लिक करेंगे, ओके। अब ये इस तरह से हो गया। अब हम क्रिएट पे जाके, क्वेरी डिजाइन पे जाके, और ऐड करवाएंगे इसको, और इन सबको अब ऐड करवाते हुए चलेंगे, स्टॉक आईडी, स्टॉक नेम, प्राइस, यूनिट, टोटल, टैक्स इन परसेंट और टैक्स अमाउंट। तो इतनी सारी चीजें हमने इंसर्ट करा ली। अब यहां पर रखना है कर्सर को, कोलन लगा लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, और यहां पर प्राइस इनटू यूनिट कर दीजिए आप, ओके। तो ये यूनिट कर दिया, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां टैक्स इन परसेंट की बात है, इसके आधार पर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो टोटल पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो यहां टोटल लिखा मैंने इनटू, अब यहां पे क्या करना है, टैक्स इन परसेंट आपको सिर्फ लिख देना है, टैक्स इन परसेंट, ओके। तो ये टैक्स इन परसेंट लिखने से क्या होगा, आपका टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखिए यहां पर रन पर क्लिक करता हूं, ये जो टैक्स अमाउंट है, इसके बाद कोलन लगाना था, कोलन हट गया है, तो कोलन हम लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोलन लगा लीजिए बस, और यहां से रन पर क्लिक करिए, तो ये इस तरह से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें हमें स्टॉक नेम देना है, तो आप चाहे तो ड्रॉपडाउन भी बना सकते हैं, फिलहाल मैंने ड्रॉपडाउन तो बनाया नहीं, तो यहां लिखते हैं कीबोर्ड,
कीबोर्ड, ओके। और यहां पर प्राइस दे देते हैं, जैसे 200 रुपए प्राइस है कीबोर्ड की, ठीक है। और यूनिट मान लीजिए आपने खरीदा 56 यूनिट खरीद लिया, तो उसके हिसाब से यहाँ टोटल प्राइस होके आ गई। अब यहाँ टैक्स इन परसेंट की बात है, जैसे मान लीजिए इस पर टैक्स लग रहा है 20% का, ठीक है। तो यहां जैसे ही मैंने 20 लिखा तो देखिए टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आ रहा है अपने आप। तो ये चीज अगर ना हो पा रही हो तो ये इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं माउस, स्टॉक आइटम का नाम क्या है, माउस। और माउस जो है 210 रुपए की है, और इसके आपने 400 पीसेस खरीदे हैं, और 400 पीसेस के हिसाब से यहाँ टोटल कैलकुलेट होकर आ चुका है, देख सकते हैं आप, ठीक है। हम चाहे तो इसमें भी करेंसी लगा सकते हैं, फिलहाल मैंने लगाया नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। इस पे 22% का टैक्स है, तो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पे वायरलेस कीबोर्ड करते हैं, वायरलेस कीबोर्ड। तो इसकी प्राइस जो भी है वो यहां पे आ जाएगी, इसकी प्राइस है 850 रुपए, ओके। और यहां पर 500 पीसेस यानी कि 500 इसके आइटम्स हम खरीद रहे हैं, और इसपे 27% का टैक्स है, तो ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। इसको यहां से हम विद बढ़ा लेंगे, और यहां से अब अगला आइटम जैसे कि मॉनिटर करता हूं मैं, तो ये मॉनिटर हो गया, और मॉनिटर जो है वो है 4000 रुपए का, और 4000 करने के बाद यहां पर जो यूनिट है वो 45 यूनिट हम खरीद रहे हैं, तो उसके हिसाब से टोटल हो के आ गया, और इस पे 26.5% का टैक्स है। तो यहां देखिए 26.5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 3 तक हमने चूज किया है, तो यहां 5000 2 times 0 होके आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे चल करके स्टॉक आइटम का भी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, फिलहाल के लिए ये वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।